नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। नहीं थम रहा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के वीसी व विद्यार्थियों के बीच का विवाद। बीएड कोर्स को एनसीटी के से मान्यता को लेकर के चल रहा है विवाद। वीवी परिसर में छात्र छात्राओं ने किया रोष प्रदर्शन। वीसी पर लगाया तानाशाही करने का आरोप। छात्रों ने वीसी पर लगाया भ्रष्टाचार का भी आरोप। वीसी के खिलाफ कार्रवाई करने की कर रहे हैं मांग। कल वीवी के कुलपति ने मान्यता को लेकर के दी थी सफाई। आप देख रहे हैं शीर्षक से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और वाइस चांसलर के बीच में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया, वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग उठाई। उनका कहना है कि मान्यता को लेकर के वाइस चांसलर जो सफाई मीडिया के सामने दे रहे हैं वह सत्य नहीं है। वास्तव में विश्वविद्यालय के कई ऐसे कोर्स हैं जिनको मान्यता नहीं मिली हुई है। आरोप यह भी है कि करीब 18 ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिन्हें मान्यता नहीं है और उन सभी अध्ययनरत विद्यार्थियों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। विशेष रूप से बीएड और डीपीएड के पाठ्यक्रम की मान्यता विवाद को लेकर के विद्यार्थी आक्रोशित हैं। आज सुबह छात्र छात्राएं एकत्र हुए और विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में शहर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल पहुंचा और उन्हें प्रशासनिक ब्लॉक के सामने से हटाया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय के वीसी न केवल विद्यार्थियों को बल्कि सरकार और मीडिया को भी गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने मान्यता न होने से संबंधित विभिन्न प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए विश्वविद्यालय के वीसी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारी छात्र दयानंद शर्मा ने बताया कि अगर सरकार ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन तेज होगा। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर बार बार पुलिस भेज करके हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को परेशान भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ और भी ऐसे कोर्सेज यहाँ चल रहे हैं, जैसे लॉ डिपार्टमेंट है और मुझे जहाँ तक जानकारी है सुना है कि 22 में से 18 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉपर एनसीटी से और किसी बॉडी से जो अप्रूवल होना चाहिए वो नहीं है। तो श्रीमान वीसी महोदय से हमारी यही की मांग है कि अगर ये बच्चों का भविष्य आप सुरक्षित नहीं रख सकते तो उनको पूरे 2 वर्ष हो गए यूनिवर्सिटी के अंदर आए हुए। पूरे 2 वर्ष में और कामों के लिए तो इनके पास बहुत समय है, लेकिन बच्चों का जो एनसीटी का मामला फिजिकल एजुकेशन का इतना गंभीर था, बच्चों ने पहले भी रिटर्न में दिया था कि ये मामला सुलझाया जाए, तो इस व्यक्ति ने कोई उस पर गौर नहीं किया। एनसीटी से कई बार ऐसे क्वेश्चंस क्वेरीज लगी कि रजिस्ट्रार के साइन होके जाना चाहिए, रजिस्ट्रार स्वयं जाए, और रजिस्ट्रार को इस व्यक्ति ने डमी कर रखा था क्योंकि इसकी जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन व्यक्ति जो कर रहा था उसने रजिस्ट्रार को साइड लाइन करके किसी और व्यक्ति को जिसका काम इंजीनियरिंग विंग का है सारी पावर उसको दे के और जो एकेडमिक जो वातावरण था इस यूनिवर्सिटी का उसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। वो तो अब सरकार एक प्रोविजन डाल रही है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस वीसी साहब ने की थी, इन्होंने कुछ डाटा भी दिए हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स थे एनसीटी के जिनमें यूनिवर्सिटी बाद में बनी है हमारे से, बहुत से ऐसे फिजिकल एजुकेशन रन करने वाली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं वो अप्रूवल ले गए कि वाइस चांसलर महोदय का कैलिबर ही नहीं है यूनिवर्सिटी को चलाने का। किस प्रकार पिछले 2 दिनों से हमारे बच्चों के हॉस्टल्स के अंदर पुलिस को लेकर घुसाया जा रहा है, एक एक बच्चे की तलाशी ली जा रही है, लेडीज पुलिस बॉयज हॉस्टल में जा रही है, और अभी एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सब बातें सब सामने करने के लिए नहीं होती, ये सभी बच्चे मैच्योर हैं, सब बातें सामने रखो कि हमारे बच्चों ने वहाँ कौन से गैंगस्टर हैं, कौन सी माइंड फिट कर रखी है हॉस्टल में।